वेस्टर्न रेलवे ने आज भी 128 ट्रेनों को किया रद्द। टीएमसी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, महारेल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, 27 लाख बेसिक फ्लैट कॉस्ट, वो भी एमएम वैली में, ओ माय गॉड, वो भी स्टेडियम के पास, विच इज नोन एज मुमरा का लोखंडवाला में, ये रेट में पॉसिबल ही नहीं है बॉस। लेकिन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बेसिक फ्लैट कॉस्ट है 27 लाख रुपीज और आपको ये आसान किस्तों में 5 लाख डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई, जो नो लोन नो ईएमआई, नो लोन नो इंटरेस्ट फ्री स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो एकदम प्राइम लोकेशन पर, यहाँ से स्टेडियम, हॉस्पिटल, कॉलेज, सब वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिलती है। प्लीज ये दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है एंड ये आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 27 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन वेस्टर्न रेलवे ने लगभग 130 ट्रेनों को रद्द किया, जिसका परिणाम ये निकला कि इस कदर वेस्टर्न रेलवे के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है, जैसे बोरेवली, चर्चगेट, विरार, ऐसे तमाम स्टेशनों पर भीड़ जम गई। हम आपको बोरेवली की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि हजारों की संख्या में ये यात्री नज़र आ रहे हैं और अगर इनकी जान जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इतनी भगदड़ मची थी, लोगों ने यहाँ वहाँ अफरा तफरी का माहौल बना दिया था। और इसी के बाद आज शनिवार 28 अक्टूबर को कुल 128 वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इसका कारण ये है कि जो बाधाएं आती है उसको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क के कारण ये तमाम ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, लेकिन इसका खामियाजा आज भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे शुक्रवार 27 तारीख और आज शनिवार 28 तारीख के दिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई और आज जो है 128 ट्रेन रद्द होने के कारण रेलवे को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ और लोगों में भारी नाराजगी रही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।